हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजस्थान की प्रसिद्ध लाजवाब दाल ढोकली बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दाल ढोकली बनाने के लिए एक बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसके लिए 2 छोटे चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 छोटे चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और दाल बनाने के लिए 4 छोटे चम्मच मैंने मूंग की दाल ली है और 2 छोटे चम्मच चने की दाल ली है और तेल। दाल तड़के के लिए 1 सूखी लाल मिर्च ली है, 1 तेज पत्ता है और 1 चम्मच राई है। 1 छोटे प्याज को मैंने कट कर लिया है, 1 छोटे टमाटर को कट कर लिया है और 1 हरी मिर्ची को कट किया है मैंने। और ये धनिया के डंठल है और ये धनिया के पत्ते हैं जिनको भी मैंने बारीक काट लिया है। चलिए बनाते हैं। दाल को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है पानी से, इसको कुकर में डाल लेते हैं। 2 ग्लास इसके अंदर पानी डाल देते हैं। अब इसी के साथ हम मसाले डाल देते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और ढक्कन बंद करके इसको गैस पे रख देते हैं। फुल फ्लेम पे दाल की 2 सीटी लगा लेते हैं। जब तक दाल पक रही है हम आटा लगा लेते हैं। गेहूं के आटे को मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। इसके अंदर ये धनिया का डंठल है, ये डाल रही हूं मैं, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 लहसुन डालूंगी मैं इसमें, 1 चम्मच, 1 चम्मच मोइन के लिए तेल डाल रही हूं मैं। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार करना है हमें। जैसा हम चपाती का आटा लगाते हैं उसी तरह का हमें आटा लगाना है इसका, ना ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट। मैंने आटा लगा लिया है, इस तरह का आटा लगाया है मैंने, बिल्कुल नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं उसी टाइप का आटा है ये, न ज्यादा टाइट है न गीला है। अब इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट किए हुए। अब एक बार फिर से इसको लोच लगा लेते हैं इस तरह और इसकी छोटी छोटी ढोकली तैयार कर लेते हैं। हमें इस तरह की छोटी सी आटे की बॉल लेनी है, इसको इस तरह गोल बनाना है और फिर इसे ऐसे जोर लगा के फ्लेट करना है। फिर हम इसके बीच में इसी तरह अंगुली और अंगूठे से छेद कर देंगे और ये आकार दे देंगे, जैसे रिंग होती है इसी तरह की हम छोटी छोटी रिंग बना लेते हैं। हमें इसे ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, नहीं तो ये पकने में टाइम भी ज्यादा लेती है। इसी तरह की हम छोटी छोटी रिंग बनाएंगे, बिल्कुल कम आटा लेना है इतना सा। ये देखिए इसी तरह की पूरे आटे की इसी तरह की रिंग तैयार कर लेते हैं हम। मैंने सभी आटे की रिंग बना ली है, ये बिल्कुल तैयार है। 2 सीटी लगी है, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसे ठंडा होने देते हैं स्टीम निकलने तक। अब दाल के अंदर ये तैयार की हुई ढोकली है ये डाल देते हैं। अब एक बार मिक्स कर देते हैं दाल के साथ। इसके अंदर थोड़ा सा पानी कम है, इस तरह का है ये, तो मैं 1 कप गुनगुना पानी और ऐड कर रही हूं इसके अंदर। ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी और लगाएंगे।
जब तक ढोकली पक रही है तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं दाल के लिए। पैन के अंदर एक बड़ा चम्मच मैंने तेल गरम कर लिया है। इसके अंदर ये राई डाल रही हूँ, तेज पत्ता, लाल मिर्ची, अब लहसुन डाल देते हैं क्रश किया हुआ। प्याज डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, इसके साथ ही हरी मिर्ची है वो भी डाल देते हैं। प्याज को गुलाबी कलर आने तक भून लेते हैं। प्याज भुन गया, अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ। 3 सीटी लग गई है, मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसकी स्टीम निकलने देते हैं। देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देते हैं और गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब तड़का है वो इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, दाल के अंदर डाल रही हूँ मैं ये, इसको मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट और रखते हैं हम गैस पे इसको, ताकि तड़का अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको लग रहा है कि अगर आपकी दाल ज्यादा पतली हो गई हो तो आप उसे ज्यादा भी रख सकते हैं गैस पे, ताकि इसी तरह की बन जाए। देखिए इसी तरह की होनी चाहिए ये। दाल को गाढ़ा या पतला आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं कि आपको किस तरह की चाहिए। दाल ढोकली बिल्कुल तैयार है, मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे एक बाउल में सर्व करते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें। बारीक कटा हुआ प्याज, ये देखिए हमारी दाल ढोकली बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए।